देवजानी, देवजानी, क्या बीत रही होगी उसके दिल पे? देखो जरा। ओ हेलो, ये तो जा रहा है कहीं? My God, जरूर वो पुलिस स्टेशन जा रहा होगा। Very sorry. देवजानी, वो उस कार में बैठी है, वो व्हाइट वाली में। देखो, मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया। तो फिर किस लिए आए? वही उसी चीज के लिए आया जिसके लिए तुम आई हो। तो फिर बोल दीजिए ना कि आप यहाँ किस लिए आए। आपने तो कहा था आप इतने आसानी से नहीं मानोगे, पापा ने आपको बहुत सताया। क्योंकि सच्चे प्यार में ईगो नहीं होता। आप मेरे घर के बाहर है और मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ सर। मुझे लगता है हम दोनों का बैड लक ही खराब है। अच्छा, अब बस बहुत हो गए। अचानक से कोई डिसीजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भागना नहीं। हम एक दूसरे से अपने दिल की बात करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनको रिजल्ट नहीं निकल रहा। अब जरा डिसाइड करके मिलते हैं। आज रात 8:30 बजे मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए गाड़ी भेजूंगा। यू बी रेडी? ओके सर। ओके बाय। हेलो चंडी, अरे तुझे पता है डिलन सर ने आज रात 8:30 बजे मुझे बात करने के लिए बुलाया। ओ हेलो, मुझे नहीं पता होगा, मेरे ही फोन से मेरे ही सामने तुम दोनों की बात हो रही थी और कह रही है चंडी पता है। अच्छा चंडी, तुझे क्या लगता है बात करने से सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा ना? अरे स्टूपिड, वो तुझसे सिर्फ बात ही नहीं करना चाहते, वो तेरे को डेट पे लेके जाना चाहते हैं। व्हाट? दिलिन सब मुझे डेट पे लेके जा रहे हैं? अब सुन, जल्दी से फोन काट और घर पे आ, हमें तेरे को रात के लिए तैयार करना है। जल्दी आ रही हूँ। ओके बाय। ये मन करता है ठगी ठोरियां, ये मन करता है सीना सोरियां, ये मन ही कर दिल चोरियां, ये मन की है कमजोरियां। ये भी ठीक नहीं है। ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है। इससे अच्छा कुछ पहन के आओ सन, तुम्हारा फर्स्ट डेट है ना। रियली? ये मेरा फर्स्ट डेट है? अच्छा ठीक है, टेक्निकली ना सही, लेकिन सीरियस वाला तो फर्स्ट डेट है ना। ओके मॉम, मैं चेंज करके आता हूँ। आई विल ट्राई टू वेयर समथिंग बेटर। ओ हेलो, इतने ऑप्शंस ना कोई डिजाइनर भी नहीं देता। तू इतने सारे ऑप्शन दे रही है ना, इसलिए दी कंफ्यूज हो रही है। हां, गॉट इट। लुक एट दीस इयररिंग्स, हर ड्रेसेस में चलेंगी। नाइस। हाँ। वाह वाह, नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं। वाओ, ये अच्छे हैं। नो वे, आई मीन कम ऑन, इतने छोटे हैं कि तुझे यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा। लुक, दीज आर इयररिंग्स। वैसे मैं तुझे चाहूँ तो और भी ऑप्शंस दे सकती हूँ, पर जो तूने अभी हाथ में पकड़ा है ना, वो बेस्ट है। माय गॉड, तुम लोग ड्रेस डिसाइड करोगे तो मैं डब्बू का मेकअप करूंगी ना। फाइन डब्बू, जस्ट डिसाइड कौन सी ड्रेस और कौन सी एक्सेसरीज। ओ हेलो, जल्दी जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओ गॉड प्लीज स्टॉप इट गाइस, मैं ना खुद तैयार हो जाऊंगी। किसी की जरूरत नहीं, खुद हो जाऊंगी। क्या मतलब है, इतनी अच्छी डेट है, सत्यानाश क्यों करना चाहती है तू? मैं डिलन सर के लिए सोफेस्टिकेटेड और बहुत अच्छी क्लासी दिखना चाहती हूँ, जैसे सर है। पर तुम लोग जो कर रहे हो ना, उससे मैं पागल हो रही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Okay, mama, this is perfect mood, right? नहीं, बहुत डल है सन, कुछ ब्राइट कलर्स पहन के आओ ना। Okay, ma'am. Okay. और सुनो,
शूज भी मैचिंग पहन के आना। शूज मैचिंग? अरे जिस लड़की से प्यार करता है उसके साथ फर्स्ट डेट है, सब कुछ परफेक्ट होने का मांगता है सन। अरे मॉम, लेकिन जिस लड़की के साथ मैं डेट पे जा रहा हूँ ना, वो उन लड़कियों में से नहीं है जो इन सब के बारे में सोचेगी। देवजानी इज डिफरेंट मॉम, उसके लिए डिजाइनर शूज से ज्यादा जरूरी है दिल से कही बात है, वो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं ट्रैक पैंट और टी शर्ट में भी चला गया ना मॉम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा? या वो खुद इतनी सिंपल ड्रेसअप होके आती है। एक लड़कियों को डायमंड पसंद, रूबीज पसंद, पर्ल्स पसंद, मगर देवजानी ऐसी नहीं। देवजानी को एक सिंपल सा चेन और उसके साथ एक सिंपल सा पेंडेंट, दैट्स अबाउट इट। नैनों को पता है लड़कियां हील्स पहनती, मगर देवजानी शी वेयर्स फ्लैट शूज। वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट है। नींद उड़ जाए, लड़कियां मेकअप के बगैर तो कहीं नहीं जाती। अगर बाथरूम में जा रही होगी ना तो लिपस्टिक लगा कर जाएगी, मगर देवजानी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो बहुत कम मेकअप लगाती है एंड शी स्टिल लुक्स सो ब्यूटीफुल। देवजानी के घुंघरालू बाल बस ऐसे ही खुला छोड़ देती है, कोई हैशटैग नहीं। देवजानी बस ऐसे ही मॉम, सिंपल, और सिंपल होकर भी वो परफेक्ट है। हम जानते हैं सन, देवजानी परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, और हम बहुत खुश है कि तुमको अपना परफेक्ट सोलमेट मिल गया। लेकिन ये नहीं चलेगा सर, चेंज तो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है मॉम, मैं समझ गया, आपकी चॉइस समझ गया हूं, मैं चेंज करके आता हूं। मैं ठीक। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप ना कभी कभी लोगों को बहुत ओवर पावर कर देते हो। तबूती इसलिए चिढ़ गई। ओह रियली? तबू मेरी वजह से नहीं, चंदी के वजह से चिढ़ी थी। तूने देखा नहीं कपड़ों की दुकान लगा के रखी थी सामने? ओ हेलो, ये सब बिन्नी दी की गलती है, ड्रेस सेलेक्ट हुई नहीं, मेकअप पहले ही छपने लग गई। बाय गॉड चंदी, मेरे कारण कुछ नहीं हुआ, ये सब इशू की वजह से हुआ है। बार बार रॉन्ग आइडियाज दे रही थी, जीन्स कुर्ती पहन लो, सबको कर दिया ना उसने बाहर, ये लो, एंड में सब मेरी गलती है। बताइए मॉम, कैसे लग रहा हूं मैं? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। डब्बू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम परफेक्ट लग रही हो दी, एब्सोल्युटली स्टनिंग। पर ये सब तूने किया कैसे? एक्चुअली सच बताऊं तो शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि डिलन सर की डेट कैसी होनी चाहिए, फिर सब कुछ अपने आप ही होता गया। आई थिंक मेरा ये वर्जन डिलन सर की डेट के लिए मेरा बेस्ट वर्जन है। व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। एंड कीप सम लाइव म्यूजिक अराउंड द टेबल एंड अ बिग बुके ऑफ लिलीज, इट हैज टू बी बिग। हां अच्छा, वो कैंडल स्टैंड जो मैंने सिलेक्ट किया था एंटीक वाला, वो भी रख देना। ओके परफेक्ट, थैंक यू। तुम देखना देवजानी, आज की शाम मैं परफेक्ट बनाऊंगा हम दोनों के लिए।
Mom, love you. I'm going. Bye. Bye, son. Best of luck. Have a good time, son. Thank you, Mom. Oh God, इनको हमेशा खुश रखना. Please, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम मत आने देना. ये रात हमें हमेशा याद रहेगी. आज रात को डब्बू दी को डिलन से प्रपोज करेंगे. Oh my God, I think गाड़ी आ गई है. Good luck, डब्बू. नर्वस मत होना बाय गॉड. अगर नर्वस होती है तो सप्तश्लोक की मंत्र पढ़ लेना मन ही मन में. हेलो बिन्नी दी, आज के दिन तो कम से कम इसको फिल्मी गानों से मोटिवेट होने दो यार. रिलैक्स दी, सब बढ़िया हो जाएगा. थैंक्स. आई थिंक आई विल गो नाउ. एक्सक्यूज मी मैम, मिस देवजानी ठाकुर. यस. प्लीज कम इन. ओके. प्लीज बैठिए. मिस्टर शेखावत बस आते ही होंगे. थैंक यू. जल्दी आ जाइए सब, और इंतजार नहीं हो रहा. फाइनली इट्स हैपनिंग. मॉम, मैं अभी तक देवजानी से मिला नहीं हूँ. जब मिलूंगा ना तो आपको बता दूंगा क्या हो रहा है. डिलन, डिलन सुनो. मॉम क्या हुआ, सब ठीक तो है? डिलन, वो एडवोकेट सांगवी का फोन आया था. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्या हो गया मॉम? क्या मॉम, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर. उनका फोन आया था. ठीक है मॉम, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी इसी वक्त वहां आता हूँ. ओके. कहाँ रह गए सर? शिट, ये कैसे हो गया? वैसे तो डिलन से इतने पंक्चुअल है, हमेशा ऑफिस में टाइम से पहले आ जाते हैं और जो लेट आता है उसको डांटते हैं. और आज अपनी डेट पे लेट, वेरी वियर्ड. पता नहीं. मिस देवजानी, आज की शाम का आपका स्पेशल सर्वर हूँ, आपकी खिदमत में. ओके, थैंक यू. ये हमारे रॉयल कलेक्शन में से हैं. डिलन सर ने कहा था कि हम आपको फाइनेस्ट शैंपेन सर्व करें. शुड आई सर्व? नो, मिस्टर शेखावत को आने दीजिए, उसके बाद आप सर्व करें. तो आप उनके आने तक क्या लेना पसंद करेंगे? नो, वो जब आएंगे तभी हम ऑर्डर करेंगे. एज यू विश मैम. थैंक यू. माय गॉड, टब्बू, तूने कभी नहीं सोचा था कि तेरी डेट इतनी रॉयल होगी. God, I'm so excited. बस डिलन सर आ जाए. ओन पटलो. तो मुझे टेंशन होती है, डिलन सर अभी तक आए क्यों नहीं? मैम, सर के आने तक आपको स्टार्टर सर्व करूं? नो, वो जब आएंगे ना, मैं तभी हम लोग कुछ ऑर्डर करेंगे. थैंक यू. अब तो मैं फोन करके रहूं. गॉड, हाय टब्बूदी, मुझे तो बस डिलन सर को देखना है. वो आज कितने डैशिंग लग रहे होंगे. हमें भी देखना यार, बस एक झलक दिखा दे. हाँ डब्बू, अब फोन उसकी तरफ करना प्लीज. विलेन सर अभी तक नहीं आए.
डिलन आ गया। डिलन सर आ गए क्या मतलब? अब कॉल मत करना। अच्छा हाँ हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे। डब्बू तेरी इस डेट को लेकर ना तुझसे ज्यादा हम एक्साइटेड है। ओके बाय 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 बाय। मिस देवजानी ठाकुर। यस मिस्टर शेखावत ने ये आपके लिए भेजा है। थैंक यू। थैंक्स। हमारी इस फर्स्ट डेट की यादें इन फूलों की तरह हमेशा महका करेगी। यादें तो तब बनेंगी सर जब आप आएंगे। अब तो आए नहीं। बस बहुत हो गया। अब मैं उनको फोन कर लूं। सो, कितना इंतजार करूं? What the hell is this? सोच के भी कितना अजीब लग रहा है ना। गंजी हमसे इतनी दूर जा रही है, उसकी विदाई पर भी इतना दिल भारी नहीं हुआ था जितना ये सोचकर हो रहा है कि वो अब हमसे दूर कनाडा जा रही है। शायद वो इसलिए कि वो इसी शहर में थी। मन जब भी किया तब वो आ जाया करती थी। सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रही। चलो 21 साल की बात है, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत मुश्किल होने वाला है ममता जी। फिर ये तो इत्तफाक की बात थी ना कि अंजी शादी के बाद इसी शहर में रही, आती जाती रही। वरना शादीशुदा बेटियां तो उसे ससुराल में ही अच्छी लगती है। बिन्नी के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। वो चाहे जितना भी दिखावा करे बाहर से खुश रहने का, अंदर ही अंदर वो कितनी दुखी है मैं जानती हूँ। हम चाहे पूरी दुनिया भर की खुशियां उसकी झोली में डाल दें, पर उसे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उसका पति उसके साथ नहीं। ऐसे क्यों सोच रहे हो ममता जी? अब कल क्या होगा कोई बोल पाया है क्या? देखो डब्बू को लेकर तुम कितनी परेशान थी कि उसकी शादी कैसे होगी, वो सेटल होगी या नहीं। लेकिन उसके पास एक अच्छी नौकरी है, एक बढ़िया सा लड़का उसे प्रपोज करने वाला है। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है ना। जैसे डब्बू के साथ सब कुछ ठीक हो गया है ना, वैसे बिन्नी के साथ भी हो जाएगा। आपके मुंह में की शक्कर, सच में डब्बू की जिंदगी एकदम सही दिशा में जा रही है। अब भगवान करे और डिलन उसे हमेशा खुश रखे बस। Thank you.
रियली सॉरी मैम, अब हमें रेस्टोरेंट क्लोज करना होगा। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। थैंक्स। मैम ये क्या है? डिलन सर ने कहा था ये केक ठीक 12 बजे लाया जाए, आपके लिए ही है ये। थैंक्स फॉर दिस डेट। आप क्यों नहीं आए डिलन सर? इतना बड़ा धोखा, मुझे बुलाकर खुद नहीं आए, आखिर क्यों?